सो व्हाट्स अप एवरीवन, सिवेनो हियर, एंड आज हम बात करेंगे कि क्या सच में काइजू नंबर 8 इज द नेक्स्ट बिग थिंग, बिकॉज मैंने काफी सारे कमेंट सेक्शंस में चेक किया है, लोग इसे कुछ गोटेड एनिमे से कंपेयर कर रहे हैं लाइक अटैक ऑन टाइटन, एंड हेट तो ना के बराबर ही देखा है मैंने इसके लिए। सो पॉइंट पर आते हैं, आखिर इसे खास क्या बनाता है? इसका एनिमेशन स्टाइल कुछ अलग है क्या? बिल्कुल नहीं। या फिर इसमें कुछ ऑसम साउंड ट्रैक्स ऐड किए गए हैं? ये भी नहीं है। या फिर इसकी कुछ स्टोरी में ही अलग बात है? बिल्कुल नहीं। देखो द पॉइंट इज, मैं इसे हेट नहीं कर रहा हूँ, बट आप काफी सारे एनिमेस ढूंढ सकते हो इस जॉनरा में कि वहां पर आपको एक बहुत ही हम्बल सा मेन कैरेक्टर मिलता हो, जो कि दिल का बहुत साफ है, लोगों की मदद करना चाहता है बट कमजोर है इसलिए नहीं कर पाता है, एंड देन सडनली ही गेट सम पावर्स। ऐसा कुछ ढूंढने में शोनन एनिमेस में बहुत मिल जाएगा, बट एक चीज जो इसे खास बनाती है वो है इसका प्रोडक्शन। वेल द पॉइंट इज कि इनकी प्रोडक्शन टीम को पता है कि इन्हें मास अमाउंट में ऑडियंस कहां से मिलेगी। मेरा मतलब ये है कि इन्हें मालूम है कि हिंदी एनिमे देखने वाली ऑडियंस कितनी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, बहुत बड़े बड़े एनिमेज है जिनके अभी भी ऑफिशियल हिंदी डब्स अवेलेबल नहीं है, एंड एक इंसान कितना ही फैन डब देख ले जो कि अच्छे भी नहीं होते। एंड यहीं पर काइजू नंबर 8 बाकी एनिमे से अलग है। एनिमे के रिलीज होते ही, हर एक एपिसोड के रिलीज होने के बाद आपको हिंदी डब अवेलेबल मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, तमिल तेलुगु भी मिलेगा। एज आई टोल्ड यू कि इनकी प्रोडक्शन टीम को पता है कि कैसे ऑडियंस ग्रैब करनी है, बट फिर वहीं पर वो सवाल आ जाता है कि डब्स के दम पर आप ऑडियंस को लॉन्ग टर्म में रिटेन कर पाओगे क्या? एक करिश्मेटिक स्टोरी लाइन भी होनी चाहिए जो कि इस एनिमे के पास है नहीं। बहुत कॉमन सी स्टोरी लाइन है, शायद काफी बुरा बोल दिया मैंने इस एनिमे को, बट सच बात तो ये भी है कि हमारे इंडिया में जो ऑडियंस देख रही है इस वक्त पे एनिमे वो भी काफी छोटी है। 12-13 साल के लड़के जो है अपनी डीपीज में गोजो लगा के बैठे हैं, एंड आई नो इससे तो साफ पता चल जाता है कि उन्होंने कितना ही एनिमे देख रखा है। बट हाँ, इस सीजन रिलीज हुए एनिमेज में तो ये टॉप पर रहने वाला है। न्यू रिलीज एनिमे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डीमन स्लेयर जो कि ऑलरेडी नाम कमा चुका है, बट न्यू रिलीज एनिमेज में ये टॉप पे रहने वाला है।